नन्ही जल परी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी, उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की पांचवी बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी एवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। एवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। एवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। एवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। एवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमैड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें, तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और एवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था, वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर एवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए, तो वो भी अकेली ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। एवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया, जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। एवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। एवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को वो किनार पर लाए। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा।
उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा श्रेय ले रही है, पर एवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है, लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजा तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा ईवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। ईवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती, पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी।
ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ कर देना, मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे।
डबी द पेंगुइन स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी डबी द पेंगुइन की है। डबी अपने परिवार के साथ अंटार्कटिका की सबसे ठंडी जगह पर रहता था। डबी रोज अपने परिवार के साथ सुबह सुबह मछलियां पकड़ने निकल जाता। मछली पकड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा मजे करता। वह बर्फ के ग्लेशियर के किनारे आकर खड़ा हो जाता और पानी में देखता रहता। जैसे ही उसे कोई मछली दिखती तो तुरंत अपना हाथ अंदर डालकर मछली पकड़कर बाहर निकलता। मछली निकालकर वह जोर जोर से चिल्लाता, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसको इस तरह से नाचता और चिल्लाता देख उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश होते। उसके चेहरे की खुशी और उत्साह उनके माता पिता को बहुत अच्छी लगती थी। उनका परिवार खुशी खुशी रह रहा था कि तभी अचानक एक दिन जब वे शिकार पर गए थे, कुछ शिकारी मनुष्य बड़ी सी नाव में आकर पेंगुइन के बच्चों को पकड़ कर ले गए। उनको पकड़ने के लिए शिकारियों ने जाल बिछाया था। बच्चों को यूं ही ले जाता देख उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अपने अंदर के दर्द को और डर को जाहिर करने के लिए वे बार बार चिल्ला रहे थे, उन्हें छोड़ दो, कृपया करके हमारे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें पकड़कर मत ले जाओ, वे हमारे बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों ने पेंगुइन्स की बात नहीं सुनी और वे उन्हें अपने जाल में फंसा कर ले गए। सारे पेंगुइन जाल में फंसे हुए थे और सब बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने पेंगुइन्स को नाव में रखा। नाव में रखने के बाद वे लोग आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, आज तो हमने बहुत सारा पेंगुइन पकड़ा है, लगता है इस बार कमाई बहुत अच्छी होने वाली है, जाकर हम इन्हें तुरंत बेच सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बार हमने सबसे ज्यादा पेंगुइन पकड़ा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई पुलिस हमें ना पकड़ ले, क्योंकि हम एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पेंगुइन उनकी बातों को सुन रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उन लोगों ने एक एक करके पेंगुइन्स को जाल से बाहर निकाला और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में डालते गए। वह पिंजरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसमें एक साथ 30 पेंगुइन्स आ सकते थे, लेकिन जाल में सिर्फ 25 पेंगुइन्स ही थे। पेंगुइन्स को पिंजरे में भरने के बाद उन लोगों ने पिंजरे में ताला लगा दिया। पहरेदार ने चाबी जेब में रख दिया। फिर उस पिंजरे को उठाकर जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में रख दिया गया। पहरेदार दरवाजे के पास बैठता था और उस कमरे की रखवाली करता था। सारे पेंगुइन सोच रहे थे कि वे वहां से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेंगे। तभी उनमें से डब्बी पेंगुइन उन सबको बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि हम यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसने सबके कान में अपनी तरकीब बताई। रात का समय हुआ और उस पहरेदार को हल्की हल्की नींद आने लगी। सारे पेंगुइन्स की नजर उस पहरेदार पर थी। कुछ देर बाद वह सो गया। उसके सोते ही वह छोटा पेंगुइन पिंजरे के रॉड के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। उसने हल्का सा जोर लगाया और वह पिंजरे के बाहर आ गया। जैसे ही वह पिंजरे के बाहर निकला, उसने सबसे कहा, देखा छोटा शरीर होने का कितना फायदा है। उसके ये कहने के बाद सब ने एक साथ सूहू की आवाज लगाई, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज से वह पहरेदार उठ सकता था। फिर वह छोटा पेंगुइन धीरे धीरे उस पहरेदार के पास गया। वह पहरेदार के पास पहुंचा और उसने पहरेदार के जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसने पहरेदार के जेब में हाथ डाला, उस पहरेदार की हल्की सी नींद खुल गई, लेकिन बहुत नींद में होने के कारण पहरेदार फिर से सो गया। पेंगुइन ने सावधानी से उस चाबी को निकाला और निकालकर धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा। उसने पिंजरे का ताला खोला। ताला खुलते ही सारे पेंगुइन्स उस पिंजरे से बाहर आ गए। सबसे आगे डब्बी था और उसके पीछे सारे पेंगुइन्स थे। वह सब डब्बी को फॉलो कर रहे थे। वे धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़ने लगे और नाव के किनारे जा पहुंचे। एक एक करके सब छलांग लगा रहे थे। जब वे छलांग लगा रहे थे, तब पानी में से आवाज आ रही थी। आवाज से उस पहरेदार की नींद खुली। उसने देखा कि सारे पेंगुइन्स भाग रहे थे, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, उठो उठो, जागो, वह सब भाग रहे हैं, जल्दी उठो।
पहरेदार के चिल्लाने की आवाज से सारे के सारे पेंगुइन जल्दी से दौड़कर पानी में कूद गए। पानी में कूदने के बाद सब तेजी से दौड़ने लगे और तैरकर उस जहाज से दूर आ गए। जहाज के लोग उन्हें देखते ही रह गए और वे उनके हाथ से निकल गए। अब वह सारे पेंगुइन्स डब्बी के पीछे थे। वे डरते डरते अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्हें बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ा, फिर भी लगभग एक दिन के बाद अपने घर वापस पहुंच गए। उनके माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, और इस तरह से डब्बी ने अपनी और बाकी सबकी जान बचाई।